और अब खबरें विस्तार से। राज्य में गुरुवार से यानी नवरात्रि उत्सव के पहले दिन सभी मंदिर खोले गए। वहीं सुप्रसिद्ध कोराडी मंदिर में भी माता जगदम्बा महालक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना कर मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले गए। कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा राज्य में सभी मंदिर धार्मिक स्थल बंद रखे गए थे, लेकिन घटस्थापना के दिन राज्य के सभी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। वहीं सुप्रसिद्ध कोराडी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। सुबह माता जगदम्बा महालक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना कर कोविड महामारी से निजात दिलाने की माता रानी से प्रार्थना की गई। वहीं मंदिर में कोविड नियमों का पालन कर प्रवेश दिए जाने की जानकारी जगदम्बा महालक्ष्मी संस्थान द्वारा दी गई। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 1.5 साल बाद आज मंदिर खुले हैं, तो इस नवरात्रि के पर्व के पर क्या मतलब आयोजन किया गया है, क्योंकि 1.5 साल बाद आज पट खुले हैं, माता जी के मंदिर खुले हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो उस पर क्या क्या आयोजन किए गए हैं? देखिए, नवरात्रा के जो अश्विनी नवरात्रा में जो रूल्स है जो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं कोविड-19 को देखते हुए, महाराष्ट्र सरकार और जिलाधिकारी ने जो व्यवस्थापन को हमारे मंदिर ट्रस्ट को जो निर्देश दिए उसका पालन पूरी तरह से किया जा रहा है। मास्क, सैनिटाइजर और 2 डोज जिनके हुए वैक्सीनेशन के उनको ही अलाउ किया जा रहा है। यहाँ पर हर साल की तरह हम सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, बड़ा आयोजन नहीं कर पा रहे, लेकिन भक्तों के लिए माता जी का दर्शन हो ये व्यवस्था हमने सारी की है। अखंड ज्योत का भी आयोजन हुआ है, 5 बजे आज अखंड ज्योत जलेगी 9 दिन के लिए, और 650 श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योत में भी भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। मुझे लगता है कि 1.5 साल बाद मंदिर खुला है, व्यवस्थापन पूरी तरह से कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, पुलिस और प्रशासन मिलकर हम लोग कोई भी ऐसा ही घटना नहीं होगी जो कोरोना के नियम का पालन नहीं होगा। और आज माता जी के दरवाजे खुल गए हैं, आगे भी अभी बंद ना हो यही आशा रहेगी। और नवरात्रा के पावन पर्व पर माता जी को प्रार्थना करूँगा कि कोरोना इस देश से चले जाए, विश्व से चले जाए, और ये नवरात्रा के बाद कोरोना नाम का कोई चीज ही ना रहे, कोई बीमारी ना रहे, यही माता जी को प्रार्थना करने वाला हूँ। तो जैसे कि आज मंदिर के साथ सभी मंदिर आज खुले हैं, सभी मंदिरों में आज पहला दिन होने के मतलब से सभी मंदिरों में भीड़ जमा होगी, कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का पालन कहीं ना कहीं ब्रेक होता ही है, तो आप हमारे माध्यम से सबको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि कोविड अभी भी चल रहा है, कोविड पूरी तरीके से गया नहीं है, कोविड का खतरा अभी भी बना हुआ है, तो राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है कि मंदिर और स्कूल्स खोलने का, तो कहीं ना कहीं पहला दिन है और पहले पर्व के दिन पर काफ़ी भीड़ होती है हर मंदिरों में, तो हमारे माध्यम से आप सबको क्या कहना चाहोगे? मैं सभी को श्रद्धालु जो आएंगे वो सभी आए, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, 24 घंटे मंदिर खुला रहेगा, लेकिन आते वक्त मास्क अपने खुद सिक्योरिटी खुद करें, अपना वैक्सीनेशन के कार्ड लेके आए और बच्चे को ना लाए। 65 साल के हमारे 60 साल के ऊपर के जो ओल्ड एज है उनको ना लाए, और शांति से दर्शन करें, धक्का बुक्की ना करें, थोड़ा दूर रह के दर्शन करें, 3 फीट का अंतर रखें। तो खुद ही जनता ने और श्रद्धालुओं ने सपोर्ट करना चाहिए, प्रशासन को सहकार्य करना चाहिए, ट्रस्ट को भी सहकार्य करना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है।